हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। और आज फिर आ गए हम पार्क में, और पार्क में पहुंचते ही देखा तो बहुत सारी लेडीज़ आ रखी हैं और अपना योगा कर रही हैं। एक दूसरे को देख के सब योगा करते हैं। सिखाने वाले भी आते हैं यहाँ पे, कई सालों से आ रहे हैं ये, और बस अपने योगा करते हैं सारे। ये बाहर का एरिया है, इतना बड़ा ग्राउंड है आगे, पर आजकल ओस पड़ रखी होती है तो लोग ग्राउंड में नहीं करते हैं, चबूतरे में बैठ के करते हैं। और लेडीज़ और जेंट्स सब आते हैं यहाँ, और पार्क का नज़ारा कुछ ऐसे, आजकल बिल्कुल साफ हो रखा पार्क, सारी घास काट रखी है। यहाँ आगे ये सारी जो झाड़ियाँ हैं, फूलों के पेड़ हैं, ये सारे वो काट रखे हैं। फिर इधर दिखाते हुए मैं इन सबको दिखा रही हूँ जो हमारे संग साथ की हैं, और काफ़ी एक डेढ़ घंटे अपना यहाँ पे ये योगा करते हैं। और मैं तो देर से आती हूँ आजकल, और थोड़ा सा चल के और थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर मैं घर की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ पे थोड़े से फूल रहते हैं तो मैं थोड़ा फूल निकाल लेती हूँ, और फिर फूल निकालते हुए मैं निकलती हूँ अब घर की तरफ। और ये वाइट कलर के फूल हैं, और काफ़ी जगह आ रखे हैं ये फूल आजकल बहुत सारे। तो चलिए जी, फूल निकालते हैं और सुबह सुबह इन फूलों का नज़ारा भी दिखाते हुए आपको चलते हैं अब घर की तरफ। ये वाइट कलर के फूल, और चलिए जी, अब निकाल ही लिए मैंने कुछ बहुत फूल, बहुत है इतने सारे फूल। और चलते हैं, अब मैं घर की तरफ निकल रही हूँ इन रास्तों से होते हुए। आजकल अकेले आ रही हूँ मैं, जो मेरे साथ आती थी वो गिर गई थी रोड में, उनके घुटने में चोट लग गई तो आती नहीं। आजकल मैं अकेले ही हूँ, और चलती हूँ मैं घर की तरफ। इधर का नज़ारा दिखाते हुए भी, लोगों को दिखाते हुए भी, बहुत सारे लोग रहते हैं, इनको देखकर बड़ा मन खुश होता है कि सुबह सुबह यहाँ आके ये अपना वर्कआउट करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, हंसी खुशी हंसते खेलते ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और कोई कोई तो 5:30 बजे आ जाता है। और देख लीजिए ये पार्क का नज़ारा, और ये लेडीज़ हैं जो हमारे साथ आती हैं, तो इनके साथ मैं घर की तरफ निकल रही हूँ। आगे निकलते हुए मैं इधर का नज़ारा दिखा रही हूँ, पूरा पार्क, बहुत बड़ा पार्क है ये, और इधर भी, और ये बीचों से ही रास्ता, और यहाँ पर भी ये पार्क है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे मिल जाते हैं मुझे, पल्ली तरफ से बोल रहे हैं कि आंटी टाइम क्या हो रहा है। फिर पहुँच गई मैं घर में। आज मैंने पहाड़ी कद्दू की सब्ज़ी बना रखी है, और पहाड़ी कद्दू की सब्ज़ी ऐसी बनती है कि उसे खूब घोट 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 घोटना चाहिए ऐसे ही, और ये पराठे के साथ और दाल चावल के साथ, और चावल ही चावल खाओ इसमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें थोड़ा चीनी भी डाल दो, थोड़ा खटाई डाल दो, और गर्म मसाले। अब कॉलेज के लिए भी मैं इसे पैक करती हूँ, कद्दू की सब्ज़ी और थोड़ा दाल, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और ये कॉलेज का लंच पैक हो रहा है मेरा। चलिए, बच्चों के लिए लंच भी पैक हो गया मेरा, और हमारे सास ससुर भी आ रखे हैं, उनको भी मैं अब दूँ खाना। अब शाम का टाइम आ गया, मेरे बच्चे आ गए कॉलेज से, अभी कह रहे कि मम्मी मेरे लिए पराठा बनाओ। और फिर शाम के टाइम मैंने बनाया बेसन का चीला, आज हमारी लड़की का बर्थडे है, और शाम के टाइम बेसन का चीला बना रही हूँ मैं, वो भी फीका, ये बेसन का चीला बना रही हूँ। और अब ये बेसन का चीला, ये बर्थडे वाला बच्चा हमारा, लड़की ने बर्थडे ले रखा है तो वो खाएगी। तब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए।